नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया टॉपिक, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, एपॉक्सी फ्लोरिंग। एपॉक्सी फ्लोरिंग हम करवाते हैं घरों में, क्यों करवाते हैं, कैसे करवाते हैं। अभी जो आप बेस देख रहे हैं, अभी तो खाली ये शुरुआत है, अभी हम इस पर डिजाइनिंग करेंगे। आप वीडियो पूरा देखना और वीडियो को एक लाइक, और आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको एपॉक्सी चाहिए या कोई भी आइटम चाहिए तो हम आपको सब आपको भेज देंगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे। लेकिन नंबर देने से पहले ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि आप जिस एरिया से हैं, मान लीजिए हिमाचल से हैं या नेपाल से हैं या बेंगलोर से हैं, तमिलनाडु से हैं, कहीं पे भी आपको एपॉक्सी चाहिए तो उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये जो एपॉक्सी बनेगी उसका अलग अलग रहेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखना, इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा मैं आपको। और हमारे साथ में है, नमस्ते सर, कुणाल भाई। नमस्कार। नमस्कार सर। कुणाल भाई, एपॉक्सी का सबसे पहले आप थोड़ा बताइए। सर, एपॉक्सी एक बहुत वर्सेटाइल मटेरियल है। एपॉक्सी से सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्लोरिंग का काम होता है। हम खुद एपॉक्सी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फ्लोर बनाते हैं, हम एपॉक्सी से टेबल टॉप्स भी बनाते हैं, हम झूमर भी बनाते हैं, फ्लोरिंग बनाते हैं, मेन डोर बनाते हैं, बहुत कुछ एपॉक्सी से बनाते हैं। जिस जगह पे आप आज आए हो वो शायद इंडिया का सबसे पहला इपॉक्सी का एक लौता सेंटर बनने, जहां सब कुछ इपॉक्सी का होने वाला है। ये सभी झूमर, सब झूमर से लेकर टेबल टॉप से लेकर यहां तक के ग्लास बर्तन, वो भी हम इपॉक्सी के बताने वाले हैं। तो कुणाल जी, ये जो आपका स्टूडियो है कब तक तैयार हो जाएगा? इस जन्माष्टमी में हम हमारी जगह का उद्घाटन करने वाले हैं, जहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। फ्लोरिंग, इपॉक्सी, इपॉक्सी के टेबल टॉप, मेन डोर, झूमर, जो भी देखना है वो सब देखने को मिलेगा। अभी तक आपने किन किन को टेबल टॉप और सप्लाई किए हैं? अभी बहुत अच्छी अच्छी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हम डिलीवर कर चुके हैं। लोगों का प्यार बहुत मिला है, इंस्टाग्राम से भी बहुत मिला है। हमने अभी तक ऋतिक रोशन के लिए बनाया है, श्रेयस तलपड़े के लिए बनाया है, गूगल पे जिसने बनाया, गूगल पे फाउंडर सुजित नारायणन, वो भी हमारे क्लाइंट है बैंगलोर में। सो हम शिपिंग पैन इंडिया करते हैं। ये बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा टाइम लेके हमारे पास आए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये टाइल्स लगी हुई थी पहले, ठीक है? हाँ, टाइल्सों पे अभी आपने ये जो कोट किया है, हाँ, ये कोट कैसे किया और क्या नाम है, क्या एपॉक्सी है, क्या रेशो लगता है इसमें? जैसा कि आप देख रहे हो, ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये इस जगह का, हाँ, ये 1960-1970 का है। हाँ, तो यहाँ पे जो पहले पुरानी टाइल्स लगी थी, हाँ, वो अब मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, वो दिखा है कि कई कई जगह पे टाइल्स खुरच चुकी है, बैठ चुकी है, फ्लोर लेवल में नहीं है ये वाला ना, लेवल में। हाँ हाँ, ऐसे जहाँ पे टाइल्स खो जाती है, अंदर का माल मट्टा सब निकल जाता है। हाँ। और यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है कि पानी भरने लगता है। हुँ। और धीरे धीरे सड़न ज्यादा अंदर फैलने लगती है। हाँ। अब अगर यहाँ पे हम ऐसी जगह पर इपॉक्सी फ्लोरिंग करते हैं तो मटेरियल थोड़ा ज्यादा जाता है, पर उससे फायदा ये होता है कि आपका फ्लोर कंप्लीटली सील हो जाता है, ना ही उसमें पानी बाहर से अंदर जाएगा, ना ही अंदर से बाहर आएगा। तो ये बताइए, अब जैसे आपने ये पहले एपॉक्सी फ्लोरिंग कर देंगे, आप पॉलिश कर देंगे, ठीक है? हाँ, हाँ। और उसके बाद में अगर कोई से भी पानी लीकेज जाता है या सीलन आती है, हाँ, तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं पड़ेगा। 100% सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आप जो रोड पे जब चल रहे हो, हाईवे पे, और जो व्हाइट कलर की पट्टियां जो आपको दिखती है, हाँ, वो भी एपॉक्सी मटेरियल। एपॉक्सी मटेरियल क्यों? क्योंकि वो बहुत जड़ मटेरियल है, मतलब वो कहीं पर अगर आप अच्छी तरीके से, सही तरीके से लगाना जरूरी है। हाँ, हाँ। अगर लगाया है तो इसको सालों साल तक कुछ नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी उसको ऐसा का वैसा देखेगी, ना ही टाइल्स में जैसे पत्थर टाइल्स टूट जाते हैं। हाँ, हाँ। अगर समझो कि आपका एक टाइल टूट गई और अगर आपने वो बदली है तो वो दिखेगी, दिखेगी ये बदली। अभी आपने ये 3D पैटर्न का तो एक बेस बना दिया, ठीक है? सही। अब इसके बाद में हमको क्या बना के बताओगे आप इसमें? अभी जो ये लगाया हुआ है उसको हम बोलते हैं बेस कोट, जो जो नीचे के फ्लोर को सील करता है। हाँ, हाँ। और ऊपर का जो फ्लोर होता है, हाँ, जो मेन आप कलर कोट करने वाले हो, हाँ, वो उसको कलर का थोड़ा बेस देता है। हाँ, वो दो काम करता है। हाँ, और उसके बाद एक और क्लियर कोट करते हैं। आज हम आपको मेन जो कलर कोट होते हैं, जो हाँ, बहुत आपको बहुत रेयरली, शायद ये इंडिया का पहला वीडियो होगा जिसमें आपको लाइव कलर कोट के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये पैटर्न कैसे बनता है ये लाइव में दिखाऊंगा इस वीडियो में, आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखिए, ये पहले ऐसा है, अब हम चालू करेंगे एपॉक्सी बनाते कैसे हैं, पूरा इसमें प्रोसेस बताऊंगा आगे का, डिजाइन बता के। और अगर आप करवाना है तो हमारे कुणाल भाई है, इनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।
तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं इसको अप्लाई करने का। जब भी आप काम करें तो देखिए ग्लव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है, हो सकता है आपको इससे कहीं पे भी एलर्जी भी हो। और मुंह पर आप मास्क लगा दें ताकि इसकी जो गंध है उससे भी कभी कभी छींके आने का और खुजली का ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं केमिकल के। देखिए अभी मिक्सिंग का ये पूरा चल रहा है। और ये हर एरिया में अलग अलग इसका एपॉक्सी का रेशियो होता है, ये नहीं कि आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर में रहे तो भी ये काम आ जाएगी। उसके लिए आपको पहले ऑर्डर करना पड़ता है कि हाँ हमको जम्मू कश्मीर में चाहिए, हिमाचल में चाहिए, ये चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट है। अगर बेंगलोर में चाहिए तो उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये एपॉक्सी तैयार की जाती है। ये मिक्सिंग का बहुत ही अच्छा काम है। देखिए अगर ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ हाँ, अगर इसमें आपने गलती करी, हाँ, मिक्सिंग में कम ज़्यादा किया, हाँ, तो आपका पूरा एक्चुअली में सर कलाकारी इपॉक्सी में इसी की है कि आपको मटेरियल को अच्छी तरह पहचानना है। बस इसीलिए आपके दर्शकों को भी बताया कि ऐसा कि नहीं है कि आपने मिक्सिंग किया चालू हो गए, आपके टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप कश्मीर में कर रहे हो, हाँ, तो अलग मटेरियल चाहिए, अगर आप बॉम्बे में कर रहे हो, चेन्नई में, बेंगलोर में कर रहे हो, तो मटेरियल हर जगह अलग आता है। तो कुणाल भाई इसमें कौन सा पिगमेंट यूज़ करेंगे आप? आज हम बनाने वाले हैं मेटालिक ब्लैक मेजर, मतलब हाँ, दो कलर होते हैं मेजर और माइनर, हाँ, तो हम मेजर करने वाले हैं मेटालिक ब्लैक, उसके ऊपर गोल्ड और मेटालिक रेड का कॉम्बिनेशन करके खूबसूरत सा फ्लोर बनाएंगे। ये माइका फाइन पिगमेंट है। माइका फाइन पिगमेंट। अच्छा, अब जो भी फ्लोर की खूबसूरती है, जो हाँ, भी पैटर्न बनानी है, हाँ, वो सारा कुछ इसी से आना है। तो आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिगमेंट जो भी है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। एक बाल्टी में लगभग आपका 300 से 400 ग्राम जाता है। इतना खूबसूरत शाइन आएगा आपको, 3D पूरा ब्लैक में भी 50 शेड दिखेंगे। इसका यही फायदा है कि कलर आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। जनरली पत्थर या टाइल में कैसा होता है कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, इसमें कोई भी कलर पैलेट आप सिलेक्ट कर। कितने कलर आ जाते हैं लगभग सर? इसमें 256 कलर्स मेटालिक में है, हाँ, और फ्लैट कलर चाहिए, जैसे कि आपको मेटालिक नहीं हो के फ्लैट कलर चाहिए, हाँ, तो उसमें बहुत सारे हैं, लगभग 3,500 शेड्स के कॉम्बिनेशन। ये भी हमारा एक बहुत स्पेशल टूल है। ये बनवाया हुआ देखिए आप, हाँ, इसीलिए मजबूत दिख रहा है। हाँ, हाँ, ये हमारा कस्टम मेड है, हाँ, जो स्पेशली हम इपॉक्सी के लिए बनवाते हैं। हाँ, इसमें आप तय करते हैं कि कितना मटेरियल जाएगा। अभी इसके हिसाब से आपका 3 mm का लगभग है इसमें। 4 mm, ये 4 mm है, और इसके बाद वाला जो करते हैं वो 2 mm का करते हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो 4 mm का कोट कर रहे हैं। 4 mm का कोट कर रहे हैं, यस। देखिए दोस्तों मैं भी जूते पहन के जाता हूँ अंदर। देखिए दोस्तों ये जूते, इसके लिए हम एपॉक्सी में जाएंगे तो वहाँ पे एपॉक्सी ख़राब ना हो, बस स्पेशली स्पाइक शूज बोलते हैं इसको, स्पाइक शूज। सर ये क्या प्राइस में है? जनरली ये आपको मिल जाते हैं 1400 से 1500 की रेंज में। हाँ हाँ, 1400 से 1500 की रेंज में। हाँ, इसको एक और इसका इपॉक्सी का एक और गुण होना जरूरी है जो आपको दर्शकों को जानना चाहिए। ये ऑटो लेवल इपॉक्सी है। कौन सा? ऑटो लेवल, हाँ, मतलब सेल्फ लेवलिंग। सेल्फ लेवलिंग, वो अपना लेवल अपने आप पकड़ने लगता है। तो अगर अच्छा कोट बिठाएंगे तो लेवलिंग अपने आप पकड़ने लगेगा। अच्छा अच्छा, ये देखिए दोस्तों इसके बाद में ऐसे अप्लाई करते हैं इसको। देखिए इसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है और फिर एक कपड़े की सहायता से इस पे पूरे में जैसा भी कलर या फिगर इसको 3D आर्ट देना है उस तरह से ये कपड़े के यहाँ पे गोल्डन, रेड, ये सभी कलर आएंगे। तो
ये जो अभी देख रहे हैं आप 4 mm का लेयर है इसके ऊपर लग रहा है ये पूरा, और जो भी ये ऊपर लेवल डिफरेंट आया है ये बाद में पूरा वापस सही होगा। और 3D डिजाइन बन रही है, अब मुझे खुद को मालूम नहीं कि ये डिजाइन बनेगी कैसी। आपको ये लाइट में आपको वो रेनबो इफेक्ट पूरा दिखाई देगा। ये तो ब्लू दिख रहा है। सो ये पिगमेंट का मज़ा यही है कि मल्टी डायमेंशनल लगता है फ्लोर। आपने हमने सिर्फ बोला है ब्लैक, पर ये आपको ब्लैक टाइप का नहीं पर एकदम विविड ब्लैक दिखाई देगा। अच्छा, इसमें एकदम आपको कलर इफेक्ट एकदम अलग दिखती है, मानो पत्थर जिंदा हो, वैसी जान हो पत्थर में, वैसा इफेक्ट देता है ये। अभी नेक्स्ट 10 मिनट में आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब दूसरे कलर हम करने वाले गोल्ड रेड, उसका मिक्सचर करके पूरा भी हमने सिर्फ ब्लैक बिछाया हुआ है, अब इसके ऊपर पैटर्न करेंगे और वो पैटर्न आएगी अलग अलग कलर। अच्छा अच्छा, वो खूबसूरत दिखने वाला है। ये देखिए कैसा डिजाइन आएगा, देखिए इसमें तो आप रिफ्लेक्शन में देखोगे यहाँ पर रेनबो इफेक्ट पिगमेंट का आ रहा है। मतलब ये पिगमेंट इतना स्पेशल है कि हर एंगल से आप देखोगे तो एक अलग कलर भी दिखाई देगा अपार्ट फ्रॉम इसका बेस कलर। ये सब ये सर ये कलाकारी होती है, ये जो छल्ले बन रहे देखिए दोस्तों, ये एपॉक्सी का सेकंड कोट भी लग चुका है और इसके ऊपर अब ये टेबल घसीटेंगे तो इसके क्या साइड इफेक्ट रहेंगे, जैसे देखिए आप स्क्रेच रहेंगे, ये स्क्रेच को हम कैसे कवर करेंगे, रिपेयर करेंगे। कुणाल जी, इसको कैसे रिपेयर करेंगे आप? सर इसमें ये जो हमने आपको जैसे वीडियो आपके लोगों ने देखा, हाँ, कल ही हमने ये डाला हुआ है। अच्छा, अभी हम इस पे टेबल घसीट के ले जाएंगे। हाँ, आप देख रहे हो फ्लोर को काफी डैमेज किया है। हाँ, हाँ, हम जानबूझ के अभी डैमेज कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ताकि आपके लोगों को वो बता सके कि हाँ, ये कैसे रिकवर किया जा सकता है, नहीं वो जमने लगेगी उसको। देखिए इस पे दोस्तों, अगर कहीं ऐसा आ जाए पॉइंट तो देखिए, ये ऐसा अगर आपके कहीं पे भी रिपेयर करना है तो यहाँ पे एपॉक्सी ज्यादा लगेगी, तो ये एयरलाइट में इसको देखिए। सर ये ऐसा है कि फ्लोरिंग पे कई कई पे जगह जैसे पुरानी टाइल्स होती है, जैसे हाँ, वो कुछ होता है, हाँ, तो उसको भरना जरूरी है ताकि उसके ऊपर जब फाइनल कोट आए तो हाँ, वो एकदम सीमलेस दिखे। तो अभी हम एरल्डाइट भर रहे हैं उसमें ताकि हाँ, वो अच्छी तरीके से भर जाए, सीमलेस लेवल टू लेवल हो जाए। देखिए अब घसीटते कितने स्क्रेच आते हैं देखते हैं। अपनी ये देखिए दोस्तों, बस ये स्क्रेच आए,
अब जो इस पर कोट लगेगा उससे ये रिपेयर हो जाएंगे वापस। और अगर आपको ये डिजाइन मान लीजिए 5 साल 6 साल बाद में आपका मूड हो जाए कि नहीं मुझे ये डिजाइन नहीं चाहिए, तो इसको तोड़ना उड़ना कुछ नहीं है, खाली इसको थोड़ा रफ करके इसके ऊपर दूसरा डिजाइन बन जाएगा। तो देखिए अब इस पर जो और भी डिजाइन होगी, जैसे ऐसी डिजाइन है तो ऐसी और भी डिजाइन होगी, तो आगे का वीडियो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों अब जो ये कोट हो रहा है ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर है कांच के जैसा। अब इससे पूरे रेशे बनेंगे, इसमें फिगर बनेंगे, और आप कोई भी काम करो तो इसका मेजरमेंट है 2 लीटर ये रेजिन है, वो ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला के ऊपर होता है। मतलब फॉर्मूला कई कई फॉर्मूला 3:1 भी आते हैं, तो आप जब भी मटेरियल लो तो उससे पहले कंसल्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा फ्लोरिंग में 2:1 का यूज करते हैं? नहीं ऐसा तो? जरूरी नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं। इसमें क्या है कि नमक मिर्ची का खेल है। हाँ। बनाने वाले पे आधार है कि वो नमक ज्यादा डाले मिर्ची डाले, पर एट दी एंड डिश अच्छी बननी चाहिए। तो ये ऐसी चीज है कि बहुत सारे फॉर्मूला पॉसिबल है। हाँ। कई में 4 किलो में 1 किलो भी लगता है, कई में कम ज्यादा भी लगता है, डिपेंड करता है। बट आपको आपको उनको कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने बताने पड़ते हैं कि हमको इतने टेम्परेचर का चाहिए, हमको इतना इतना काम करने का टाइम मिलना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डालते ही सब जम गया ख़त्म, तो पैटर्न नहीं बना पाएंगे, कलाकारी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला बहुत सोच समझ के आपको बताना पड़ता है बनाने वालों को कि ऐसा चाहिए मुझे, तो बहुत जाके वो बनता है। सो हाँ, मोस्ट जनरल फैक्टर में 2:1 का रेशियो होता है जिसमें 2 किलो में 1 किलो ज़्यादा है, पर जानकारी के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। दोस्तों देखिए अब यहाँ से ये पूरा केमिकल देखिए, अब ये पूरा अप्लाई करने के लिए जा रहा है। पहले ये ऐसा था और अब उसके बाद में आप देखिए, और उसके लिए देखिए जूते ऐसे चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको नीचे से, ये देखिए ऐसे जूते, ये हमारे पलक मैम है जो कि एपॉक्सी अप्लाई कर रहे हैं। आपका ये स्टूडियो बन रहा है पूरा, ये सेकेंड कोट देखिए सर। आज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम ब्लैक रेड और हल्के से गोल्ड, या फिर गोल्ड ज्यादा रखें और रेड मेटालिक का हल्का सा डिजाइन बनाएंगे। अभी हम मेजर कलर डाल रहे हैं जो ब्लैक है, और हल्का सा टिंटेश आपको देखने को मिलेगा। ये ग्रेज ब्लैक है, इससे ज्यादा ब्लैक और एक दूसरा जो आएगा इसके बाद, एक और ब्लैक आएगा इसमें, तो ब्लैक के बहुत सारे शेड्स होंगे। हाँ। उसमें गोल्ड की डिटेलिंग होगी और उसके अंदर रेड के और हल्के से माइनर डिटेल करेंगे। सर मान लीजिए इसको एपॉक्सी को मान लो 5 साल के बाद में किसी को ये पैटर्न पसंद नहीं आया, तब इसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है सर, इसको सैंड डाउन करो। हाँ। रेतमाल घिस दो इसके ऊपर और इसके ऊपर और अच्छा एक कोट कर दो, हो गया काम। अच्छा अच्छा, तो इसमें कुछ तोड़ने फोड़ने का कुछ काम नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हेल्थ इशू के हिसाब से देखें हम,
आप सोचिए अगर आपका घर समझो 50वें माले पे है हाँ। तो वहां से सारी टाइल तोड़ के नीचे लाने का जितना खर्चा होगा उतने में तो नया कोट लग जाएगा। तो सर इसमें हेल्थ इशू का कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये 100% फूड सेफ है। ये इतना सेफ है कि ये इसका यूज ऑपरेशन थिएटर में भी होता है। अच्छा, जहाँ पर मेडिकल पर्पज होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल नहीं निकलते जैसे चूना पेंट या ऐसा कुछ होता है तो उसके पार्टिकल हल्के निकलते हैं, पर एपॉक्सी एक सॉलिड मटेरियल है जो जड़ से बैठ जाता है, उसके कोई पार्टिकल नहीं निकलते। एंटीबैक्टीरियल है? हाँ, इसकी सरफेस पे कोई भी बैक्टीरिया वायरस ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। और इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, कोई जॉइंट आपको इसमें सिंगल रहता ना। हाँ, देखिए दोस्तों, अब इस पे ये थर्ड लेयर का काम पूरा हो चुका है और अब इसके ऊपर में आप देखेंगे ये जितने भी फिगर हैं इसमें रेड गोल्डन ये कलर वापस रेडी हो रहा बाहर। इसका व्यू देख लीजिए आप पूरा। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसमें फिगर डालने का है, तो अब नेक्स्ट स्टेप चालू करेंगे। देखिए दोस्तों आइए, अब गट्टो बन गया। ये देखिए ये कौन सा ब्लैक बन रहा है ना। हाँ कुणाल भाई, इसके बारे में कुछ बताइए। ये सर जो हमारा ये बेस कलर जो है ब्लैक, हाँ उसी का पार्ट टू कर रहे हैं। कई जगह पे हमको ज़्यादा ब्लैक चाहिए, कई जगह पर हमको कम ब्लैक चाहिए। हाँ। तो अभी कम ब्लैक वाला डाल दिया, अभी जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादा ब्लैक पिगमेंटेशन के साथ। तो यही कलाकारी है, आपको ऐसा नहीं है कि पिगमेंट का वॉल्यूम कम ज़्यादा करके भी आप कलाकारी अच्छी अच्छी कर सकते हो, अलग अलग शेड प्रोड्यूस कर सकते हो एक ही पिगमेंट में। तो अभी हम डार्कर अभी डालेंगे तो आपको दिखेगा, आपके दर्शक देखेंगे कि एकदम डार्क कलर है। अभी ये वो जो कोट किया है हाँ, उसके बाद और डालेंगे इसके ऊपर है हाँ, फिर उसके बाद में वो फिगर बनाएंगे हाँ। इसके बाद जो दूसरा मटेरियल है हाँ, जो गाढ़ा ज्यादा गाढ़ा मटेरियल है हाँ, इससे ज्यादा गाढ़ा मटेरियल है हाँ, उससे फिगर बनाएंगे ताकि वो गाढ़ा पतले के साथ एकदम मिक्स ना हो जाए, पर फिगर बनाता बनाता मिक्स हो। कुणाल भाई, अब जो ये कोट कर रहे हैं इसके बारे में बताइए कुछ। ये अभी हम डार्क मेजर कलर का कोट कर रहे हैं, इस तरफ जाएंगे यहाँ तक जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो लेयर हो रहा, देखिए आप ये पहले किया था उससे थोड़ा एक सिल्वर डार्क में, देखिए अभी हमारा कुणाल भाई का आइडिया माइंड को पढ़ नहीं सकते हैं अभी क्या बनाएंगे। इसके बाद में दोस्तों देखिए जो भी आएगा इसमें, देखिए जो ऐसे गोल्डन वाले टाइप हैं फिगर वाले, ये देखिए अभी, और इसका फाइनल लुक बहुत ही शानदार आने वाला है। अब मेटालिक रेड, हाँ मेटालिक रेड मिक्स करने वाले हैं। दो टोन होते हैं रेड के, हाँ ब्लैक के दो टोन होते हैं, कोई भी कलर करोगे ब्लू होते तो उसके दो टोन होते हैं। अब यहाँ पे थैली में आपको रेड दिख रहा था, पर अब जब डालोगे तो आपको हल्का सा रास्पबेरी जैसा दिखेगा। ये चेरी ब्लॉसम रेड है, ड्यूअल टोन मेटालिक, जिसका हम आज पैटर्न बनाएंगे। दूसरा जब टोन लेते हैं तब डिसाइड करना होता है कि आपको पैटर्न कौन सी साइड पे बनानी है। अच्छा, पत्थर में कैसा होता है कि जैसी डिजाइन होती है वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पर यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे रूम में मेरे को कौन सी साइड पैटर्न चाहिए। अब मेरे क्लाइंट ने सपोज मेरे को बोला है कि मेरे को कमरे के इस तरफ ऐसे डायगोनल डिजाइन चाहिए, तो हम कलर पैटर्न ऐसे डालना स्टार्ट करेंगे। हल्का सा डिटेलिंग के लिए देना है, एक दिया, दो दिया, हाँ धीरे धीरे, हाँ बहु बधु नहीं, धीरे 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 धीरे, हाँ करता हूँ।
रेड गोल्ड, और ये जो रेड गिरा है उसी के ऊपर डालना है। अच्छा, उसी के ऊपर डालना है। उसी के ऊपर डालना है, ज्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, जवा दो 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 डन। अबे ये तो बनी क्यों ना, बस बा 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 रुक जा रुक जा। सो आप जैसे अब पैटर्न देख रहे हो उसमें आप रेड और दूसरा ऑफ रेड का पैटर्न धीरे धीरे बनना देख रहे हो। देखिए दोस्तों, रेड के बाद में अब ये गोल्ड कलर का ये देखिए, अब इसमें पूरा ये रोलर से पूरा ये डिजाइन बनाएंगे। देखिए आप इसका लुक देखिए, बहुत ही शानदार। बस और एक आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको गोल्ड पसंद है तो ये गोल्ड की फ्लोरिंग भी आप कर सकते हैं। ये देखिए पूरा, अब इसमें कौन सा फिगर बनेगा आप देखिए पूरा। देखिए दोस्तों, इसके बाद में ये प्रोसेस देख लीजिए, इसमें दो कलर मिक्स किए थे यहाँ पे, गोल्ड और रेड कलर, जो उसमें से ये डिजाइन निकली है देखिए पूरा। और ये देखिए पूरा 3D लुक आ रहा पूरा। कुणाल भाई, इसमें गोल्ड कलर का भी फ्लोरिंग कर सकते हैं ना? एकदम 100% गोल्ड का भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्ड का करते तो थोड़ा देखिए इसका लुक देखिए, ये अगर गोल्ड पसंद है आपको तो गोल्ड का भी करवा सकते हैं पूरा। और रियल गोल्ड चाहिए, 24 कैरेट जो सोने की जिसको बोलते हैं पन्नी आती है, उसका भी कर सकते हैं पूरा। ये चीज देखिए दोस्तों, ये लाइन देखिए पूरा, ये जैसे कोई नेचुरल पत्थर का डिजाइन हो वैसा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा इसमें। देखिए ये भी बहुत ही अच्छी आर्ट है। ये देख सकते हैं आप पूरा, देखिए आर्ट जो आपने पूरा काम देखा अभी तक उसमें जान डालने के लिए, और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है और देखिए इसका सीक्रेट डिजाइन देखिए, इसमें एक्टिवेटर ये देखिए पूरा
पूरा 3D लुक लगता है ना। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आप देख सकते हैं पूरा। अब इसमें देखिए, वो जो चीज़ डाली थी उसकी डिजाइन देखिए आप, ये देखिए बहुत ही शानदार चीज़ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस आएगा वो पॉलिशिंग का। पॉलिशिंग के लिए 4-5 दिन रुकना पड़ता है, उसके बाद में ये पॉलिशिंग होती है। अभी और धुआं जाएगा ना तो और क्लियर होगा। हाँ, कल शाम को देखिए दोस्तों, ये पूरा फाइनल अभी हो गया है। देखिए अब इसके बाद खाली पॉलिशिंग बाकी है। तो कुणाल भाई, हाँ जी, अब मेरे को बताइए, हाँ जी, इसमें कोई और चेंज होगा या नहीं चेंज होगा इसमें? सर, ये अभी भी अगले 3-4 घंटे तक अपने आप थोड़ी पैटर्न डेवलप करता रहेगा। हाँ हाँ, और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। अब इसकी घिसाई कब करेंगे आप, पॉलिशिंग? अब लगभग इसको 3-4 दिन, डिपेंडिंग, अगर समर है हाँ, तो 1 दिन में हो सकता है हाँ, अगर मॉनसून है तो 2 दिन हाँ, पर फिर भी 1 दिन एक्स्ट्रा दे दो आप हाँ, तो 3 दिन के अंदर हाँ, ये कंप्लीट वॉकेबल हो जाएगा 3 दिन में हाँ हाँ हाँ। अब इसके ऊपर लगेगी बफिंग पॉलिशिंग। बफिंग पॉलिशिंग, तो इसमें कौन कौन से आप ये जो बफिंग करेंगे हाँ, वो रेतमाल करते ना हाँ, तो कौन से नंबर से कहाँ तक नंबर यूज करेंगे इसमें? हम करेंगे 800 नंबर से हाँ, इसको 3000 नंबर तक, 800 नंबर से 3000 नंबर तक इसकी सैंडिंग होगी। तो इसमें जो आप पानी यूज करेंगे या ड्राई? नहीं मर? नहीं, ड्राई सैंडिंग होती है इसकी। अच्छा, ड्राई सैंडिंग, ड्राई वैक्यूम सैंडिंग होती है हाँ हाँ। सो इसमें मेन कारीगरी फिनिशिंग की बफिंग पॉलिशिंग में ही है। देखिए मैं पत्ते बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो पॉलिश होगी ये मशीन से होगी, और ये देखिए सैंडिंग पेपर्स, इसके ग्रीन कलर के स्पेशली रेजिन के लिए आते हैं। ग्रीन कलर है जो लाल कलर के बाजार में रेगुलर मिलते हैं हाँ, उससे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ग्रीन कलर चाहिए अपने? हाँ, ये स्पेशली इंपोर्टेड होते हैं हाँ। तो कुणाल भाई, अपने कंपनी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी कंपनी क्या क्या अभी प्रोडक्ट बन रहे? सर, हमारी मेरा नाम कुणाल शाह है, हमारी कंपनी का नाम एसेंशियल आर्टवर्क्स है। इंस्टाग्राम हैंडल भी, इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारा एसेंशियल आर्टवर्क ही है। आप जाके बाकी का सारा काम देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लोरिंग, हम इपॉक्सी रेजिन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं हाँ, जैसे कि टेबल टॉप हो गए, झूमर हो गए हाँ, पूरे के पूरे किचन हो गए, और बाकी डिश, ग्लास, बहुत सारी आइटम बनाते हैं उससे। देखिए दोस्तों, इनका काम में काफ़ी बहुत ही, देखिए आप यूनिक एक बार नज़र डाल सकते हैं। देखिए पूरा डिजाइन इनका खुद का आइडिया है। और इसका जो इनोग्रेशन सर कब हो रहा है? जन्माष्टमी के टाइम, जन्माष्टमी पे इसका इनोग्रेशन हो रहा है। इसमें आप और क्या क्या दिखाएंगे? मैं आऊँगा, आपको झूमर देखने को मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग, आपको हाँ, टेबल टॉप बहुत सारे देखने को मिलेंगे हाँ, खासकर हम फेमस हैं अगर हाँ, तो टेबल टॉप के लिए। अच्छा अच्छा, टेबल टॉप हमारी एक ऐसी आइटम है हाँ, जो आज की तारीख में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे 80% टेबल टॉप का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है और सिर्फ 20% डोमेस्टिक में जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, आपके नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको एपॉक्सी फ्लोरिंग करवानी है तो आप डायरेक्ट कुणाल भाई से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।